नमस्कार प्रणाम, आपके अपने ही पसंदीदा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज आपके अपने पसंदीदा गीत यानी कि भतीजवा के मोई जिंदाबाद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लहंगा लखनऊआ जिस पर बहुत सारा विवाद हुआ है। तो आज आपके अपने मेहमान यानी कि गीतकार अखिलेश कश्यप जी जो कि बक्सर से हमारे चैनल पर, इनका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सब। कैसे हैं अखिलेश जी? बहुत बढ़िया है। पटना कैसा लग रहा है? पटना बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप भोजपुर जिला के एकदम खाटी बने, मतलब भोजपुरी में कुछ एकदम एकदम क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल पे हमारे दर्शक को? सबके प्रणाम बा, और बहुत खुशी होता है कि इतना जल्दी कोनो चैनल मार्केट में कोनो कंपनी खुलल और इतना बड़ा उपलब्धि हासिल कर ल। तो सब भोजपुरिया के इतना आशीर्वाद, भोजपुरिया श्रोता के इतना आशीर्वाद प्यार देवे खातिर दिल से धन्यवाद देते नहीं जाए कि निमन चीज के रुआ सब लाइक और प्यार देता नहीं जा। म्यूजिक वाइट जोन कंपनी है जी जी, नीरज भैया के बहुत सारा आप सब आशीर्वाद प्यार देते नहीं जा। और हमारा बुझाता कि 5-7 महीना खुला भैल, 5 महीना में एगो नया उपलब्धि चैनल हासिल किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि अभी एकदम डंका बज रहा है आपके तमाम गीत के साथ, क्योंकि हम बहुत जगह गए हैं तो ये होली के टाइम में अजब हो गया था माहौल गांव में जब जाते थे तो भतीजवा के माई जिंदाबाद, ये हर जगह का ये मतलब क्या सोचते हैं आपकी भोजपुरी हिला देते हैं क्या? अरे सब इन लोग का प्यार है, भोजपुरिया श्रोता जितना भी आशीर्वाद प्यार देते हैं और हम लोग को हौसला मिलता है, लिखते रहते हैं, कुछ मार्केट में नया क्रिएट करते हैं। हमको लगता है कि गीत के अलावा भी कुछ आप वैसा करते हैं जो कि कुछ वायरल जरूर होता है, कुछ तो करते हैं जरूर ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन हम तो बस मेहनत करते हैं, हम लोग लिखते हैं और आशीर्वाद प्यार इन लोग का मिलता है। अच्छा, 2020 में अभी तक कितना गीत है आया है? गीत तो बहुत है, मुझे लग रहा है कि 10-12 गाना तो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। और सबसे ज़्यादा 2020 का दिल के करीब रहने वाला गीत कौन सा है? देखिए गीत तो लिखे तो सब गीत दिल के करीब ही है। मारेंगे आप देखिएगा दिल के करीब तो सब था, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा बजने वाला और मुझे पहचान दिलाने वाला लहंगा लखनऊ हुआ। कैसे था उसका मुखड़ा एक बार मैं सुनना चाहूंगा। गाना था जिसपे विवाद भी हुआ था बहुत सारा। खैर विवाद पे हम चर्चा नहीं करेंगे, मुखड़ा पे हम चर्चा करेंगे। मुखड़ा था कि लड़की बोलती है कि अरे गली में गर्दा उड़ावत चली, मचे लैकन में खलबली, मारी लेनी सेंट जब हम गम कौआ। ओहो, तो लड़का बोलता है कि ये गोरी तोरी चुनरी बाझल कौआ, जान मारे लहंगा ई लखनऊआ। लाजवाब ये गाना था जो बहुत बजा। अच्छा, वायरल पूरा हो गया। उसके बाद आपका उसके बाद तो लगातार बजने लगा सारा गाना बजा। अच्छा, आप पर्सनली मैं कुछ जानना चाहूँगा, आप गीत लिखना कब से शुरू किए? गीत मुझे लग रहा है कि मैं 2017 से लिख रहा हूँ। 2017 से अभी 20 चल रहा है, 3 साल में इतना वायरल क्या राज है? इससे पहले क्या करते थे आप? पहले तो छात्रों की राजनीति करते थे, हम लोग यहाँ बक्सर में MBA कॉलेज है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे हम छात्र नेता थे MBA के। अच्छा अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे संगीत में रुचि तो शुरू से ही था। तो घर का भी माहौल संगीतमय माहौल रहता है? हाँ। क्या सब लोग संगीत, हम लोग बक्सर के हैं और भोजपुरी में आरा छपरा बक्सर, हाँ सब लोग, कोई गाता वाता नहीं था, लेकिन हम लोग पवन भैया का, खेसारी भैया का गाना हम लोग दिन भर हम लोग के यहाँ TV पे चलते रहते। अच्छा अच्छा, सब लोग मम्मी वम्मी जो भी देखते हो, माहौल मतलब कि क्रिएट रहता था कि गीत होना चाहिए। हाँ, उसके बाद शादी हुआ। लेकिन तो, आपका तो देखिए जैसे ट्रेन का पटरी जो होता है, आपका लाइन चल रहा था, नेता बन रहे थे, अचानक में गीतकार हो गए, शादी हुआ तो जिम्मेवारी आ गई। अच्छा। और छात्र की राजनीति कर रहे तो भाई अब जिम्मेवारी आ गई, तो सब लोग बोलने लगे घर से कि कब तक खर्चा तुम्हारा चलाएंगे, अब कुछ करो। तो हमारे मित्र थे मनोज बाबा जो आदि शक्ति के हैं। अच्छा अच्छा, तो उनसे हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए थे, हम लोग जानते थे कि इनकी कंपनी उस टाइम आदिशक्ति के 50,000 सब्सक्राइबर थे। तो बोले कि हम बोले कि भैया हम शायरी वायरी ऐसे स्कूल उस्कूल में अब नेता थे तो भाई जाहिर सी बात है बोलते थे। अच्छा अच्छा, लोग खूब पसंद आता। हाँ, तो लिखने लगे धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, और आने वाला प्रोजेक्ट अभी क्या तैयार चल रहा है, 2021 में क्या धमाका होगा? आने वाला अभी तो सावन में मेरा बहुत सारा गाना बजा, भैया पवन भैया का गाना मेरा सावन का सबसे बड़ा गाना था कि भर सावन सुनो तुम नजर नहीं आना, तेरा बाबू हो चुका है महादेव का दीवाना,
ये गाना सावन का नंबर वन गाना था, सबसे ज्यादा बजने वाला। अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ, बहुत सारा खेसारी बिहार का भी गाना बहुत सारा सावन का बजा। कल्लू जी जितने लोग को लिखे सबका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। अब लोकगीत का बारी है तो जब बहुत सारे हमारे पास फोन आ रहा है, कॉल्स आ रहा है, बहुत सारे कलाकार कह रहे हैं कि सिर्फ वो बड़े कलाकारों को ही गीत देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ना है, नहीं भेदभाव नहीं ना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि मेरा एक दिन में मैं 5 गाना 6 गाना छोटे से कलाकारों का छूटता है। अच्छा अच्छा, जाके आदिशक्ति का जो दो चैनल है, एक आदिशक्ति भोजपुरी है, उसमें नए कलाकारों का जितना छूटता होगा मेरा ही लिखा हुआ छूटता है। बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम कलाकारों में भेदभाव आपका नहीं है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं होगा, और मैं चाहूंगा कि आगे का कुछ एक मुखड़ा हो जाए, जो कि अभी और आपके दिल के करीब कोई गीत हो। एक मैं सावन में गाना लिखा था अपने देश पे, कि बहुत बढ़िया गीत था, लेकिन उस टाइप का उसका रिस्पांस नहीं मिल पाया। खेसारी भैया गाए थे, कि गाना था कि तू सुमारी कर रही है सनम के लिए, तेरा जानू जल ढारेगा वतन के लिए। बहुत बढ़िया गाना था। लड़की बोलती है कि मतलब हम तारे हम दमे हंदी रचहिले बानी तहरे खातिर तहर बड़ुए पालानी का बता दो आखिर। तो लड़का बोलता है कि तुम सुमारी मेरे लिए व्रत कर रही हो, हाँ। लेकिन मैं इस बार जल अपने वतन के लिए ढारूंगा। लेकिन एक चीज़ हम अक्सर वायरल मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब, तो आप हमेशा विवादित रहते हैं कारण क्या है उसका? देखिए विवाद होना तो जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए हम ही लोग हैं और कोई 2 दिन से आके इंडस्ट्री में खलबली मचा दे, इतना बड़ा बड़ा हिट लिखने लगे, तो जाहिर सी बात है ओपोजिशन पार्टी तो गर्दा करेगा ही, हंगामा हालत होगा। वो तो एक अलग विषय जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि विवादों से हमेशा घिरे हुए। देखिए मेरा ही लिखा विवाद से सब लोग जानते हैं, लहंगा लखनऊ का भी हुआ। तो मान लीजिए हम लोग को सब लोग जानते हैं, गीतकार का कोई क्या पैसा दे सकते हैं। हम लोग का जो जेन्युइन चार्ज है मान लीजिए 4,000-5,000, और सब गाना तो पवन भैया नहीं गाएंगे, खेसारी भैया, वो लोग गाते हैं तो कुछ ज़्यादा मिलता है हम लोगों को। हम लोग नाम के लिए मरते हैं, अगर ये लोग गाएंगे जो इस बात स्पष्ट है मैं वो बता रहा हूँ, ये लोग अगर गाते हैं तब छोटे कलाकार हम लोग के पास आते हैं कि पवन भैया के ये गाना दिए थे बहुत बजाय, चलिए अखिलेश भैया के पास हम लोग चलेंगे तो बढ़िया लिखेंगे। तब वो अगर पवन भैया अब हमारा नाम ही नहीं गाए तो कहीं ना कहीं इस दिल में तो थोड़ा सा चोट लगेगा। हम लोग तो नाम के लिए मरते हैं, और वही लहंगा लखनऊआ में हुआ था, मेरा नाम हटा दिए लोग, और जिस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट हुआ उसको वेब में देने लगे, तो उसी पे हो गया। हम पर्सनल खिस्सा वैसा जो कि आज तक आपको लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या मेरे लिए अच्छा हो गया, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। पर्सनल खिस्सा यही है, मैं जब ये बवाल हुआ क्योंकि रितेश जी का जो हेलो कौन था उसको भी मैंने ही भेजा था उनको कि भैया इस पे कुछ गाते हैं हेलो कौन, तो वहाँ देखे कि मेरा नाम आशीष वर्मा जी का नाम था उस। आपका नहीं था? नहीं था, मतलब ये दर्द अभी भी है? दर्द था, और उसके बाद भी मैं चुप रहा कि छोड़िए, जान दीजिए लहंगा लखनऊआ भी दे दिया था, तो मैं बाबा से बोला कि छोड़िए, बाबा बोले कि जब ऐसा कर रहे हैं तो आप दूसरे को दीजिए। हम बोले कि हमसे नहीं होगा यह सब, लेकिन अब मुझे खुशी होता है कि अपने हक के लिए लड़े और पब्लिक को पता चला कि सच क्या था झूठ क्या था। आप जो लिखे थे हेलो कौन वो कैसे था? बाईटी जो वायरल हुआ था वो टिकटॉक का सॉन्ग था, हाँ। वो वायरल हुआ था, हाँ। तो मैंने देखे बार बार टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने डाउनलोड करके रितेश जी को भेजा, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो भी बना के अपने कन्वर्जन के डाला हूँ, तो बोला कि भैया इस पे कुछ हम लोग तो करते हैं। भोजपुरी का बहुत बड़ा गाना बन गया, 600 मिलियन से ऊपर है, तो आपको बहुत दर्द होता होगा? बहुत दुख होता है। उस दर्द का मतलब हम किए थे, मतलब दे दिए गाना तो देखे कि उनका गाना आ गया, मेरा नाम नहीं था, फिर सेम वही चीज़ में जाके अंकुश यहीं पे पता किए कि मतलब किससे गाँव है, जब वो लोग नाम हटा दिए तो फिर मैं चुपचाप किसी से बोला भी नहीं, जाके अंकुश को बोला कि भाई ये गाना है गा सकते हैं आप लोग मेरा, तो गाए। उस गाने का भी 100 मिलियन व्यूज क्रॉस होने वाला है। तो तमाम कलाकारों के साथ आप काम कर रहे हैं? हाँ, अभी तो मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी जिनसे चलती है, जो लोग मार्केट में सब लोग गा रहे हैं मेरा गाना। आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, एक मुखड़ा कोई गीत का सुनाने के बाद मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल अभी आज आपके चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, और आज मेरा 2 गाना, एक गाना 50 मिलियन क्रॉस हुआ है और एक गाना 100 मिलियन क्रॉस हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। उसी गाने को गा देते हैं क्या, हमारे छोटे भाई जो हमारे होम टाउन से हैं बक्सर से, जी जी, कल्लू जी, शुरू से ही मेरा, अगर मैं स्ट्रगल कर रहा था, अगर मेरा कोई पहला स्टार गाना गाया था
कलू जी गाए थे 3 साल पहले से ही, लिखने नहीं आता था फिर भी गाते थे वो। अच्छा, तो आज भी हमारे साथ है और आजीवन महादेव करे कि हम लोग का जोड़ी बना रहे और उनके जिंदगी का मैंने सबसे बड़ा गाना दे दिया। 100 मिलियन आज तक कलू जी का गाना नहीं गया था कोई, तो अभी जो गाना आज 100 मिलियन गया है वो गाना था कि कितनी सम लड़की बोल रही है कितनी समझ हमारे मजबूरी है जान नहीं खे रोवल गावल है तना जरूरी है जान अरे बाड़ा तू बेचैन तया जाना ही जे। तो लड़का बोलता है कि सौवत के देखे आई, तो लड़की बोलती है कि मतलब, लड़का बोलता है कि तहरा दुआरा पो बाजत होई डीजे है दीवाना के कुरुता लोरवे से भीजे। ये गाना 100 मिलियन क्रॉस हो गया है और एक गाना मेरा बहुत हिट किया है अभी खेसारी भैया का जो आज 50 मिलियन क्रॉस किया है मात्र 1 महीने में। कि हमारे करम में ते पगली लिखले टूटल चप्पल पेन ही मिले चली अले, वो गाना आज 50 मिलियन। खाना पीना क्या पसंद करते हैं? खाना पीना तो हम सबसे ज़्यादा चिकन खाते हैं, पंडित जी हैं लेकिन चिकन खाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और तमाम कलाकारों के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहिए और गीत आपकी ऊंचाइयां छूते रहे। सब लोग आप लोग म्यूजिक वाइड कंपनी को जहां से हम लोग का इंटरव्यू जा रहा है बहुत बड़ा स्तर पर यह कंपनी लॉन्च हुआ है और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बड़े स्टार इस कंपनी से गा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस कंपनी को सब्सक्राइब कीजिए।